खेत का टुकड़ा छोड़ देता जो, देख टिटहरी तेरे अंडे। शिकवा है तुझसे ऊपर वाले, क्यों कम ही बनाए ऐसे बंदे। जी हाँ, ऊपर वाले ने कम ही ऐसे बंदे बनाए हैं जो प्रकृति से इतना प्यार करते हैं, और ऐसी चिड़िया भी कम ही बनाई है जैसी ये टिटहरी। मातृत्व प्रेम, आत्मविश्वास और निडरता से भरी यह मनमौजी चिड़िया टिटहरी, एक ऐसा अनोखा पक्षी जो उड़ता कम है और अपना अधिकांश समय तालाब और झीलों के नज़दीक गुजारता है। भारत के सभी प्रदेशों में टिटहरी पाई जाती है। इसका अंग्रेजी नाम है लेपविंग। टिटहरी एक बहुत ही मनमौजी पक्षी है, जिसे खुला स्थान जहाँ कीड़े मकोड़े खाने को मिले वहाँ रहता है। यह एक चौकन्ना और चालाक पक्षी है जो अपने नज़दीक आने वाले जानवर मनुष्य को देखकर शोर मचाना शुरू कर देता है। टिटहरी दिन रात जागकर अपने अंडों और बच्चों की देखभाल करता है। इसके अंडों का रंग मिट्टी के रंग में मिलता जुलता होता है, इसलिए लोगों की नज़र इसके अंडों पर अक्सर नहीं पड़ती। टिटहरी के बच्चों का रंग भी धरती के रंग जैसा ही होता है। मादा और नर टिटहरी दोनों मिलकर बच्चों का पालन पोषण करते हैं। भारत के सूखी घास एवं सूखे मैदानी इलाकों में लंबी टांगों वाला यह पक्षी अपना भोजन तलाश करते हुए गुजारा करता है। टिटहरी के बारे में खास बात यह है कि यह चिड़िया टांग आकाश की तरफ उठाकर सोती है और सोचती है कि आकाश उसी के कारण टिका है। आसमान के बारे में अनेक कहावतें हैं, उनमें से एक टिटहरी को हमेशा लगता है कि उसकी टांग हटी और आसमान गिरा। कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं, पर बुजुर्गों के अनुसार उनका कई वर्षों का अनुभव कहता है कि जिस वर्ष टिटहरी जितने मात्रा में अंडे देती है उतने माह तक भरपूर बारिश होती है। कहा जाता है कि टिटहरी नदी नालों व तालाब के किनारे पर ही अंडे रखती है। पानी के किनारों से जितना दूर वह अंडे रखे बारिश उतनी ही अधिक होती है। खेतों जोहड़ के आसपास टिटहरी की तलाश की जाती है, फिर देखते हैं कि उसे कितने ऊंचे अंडे दिए हैं। अगर वह पाल से भी ऊपर अंडे देती है तो समझो इस बार पानी की कोई कमी नहीं होगी। टिटहरी के बारे में एक और मान्यता है कि टिटहरी जिस दिन वृक्ष पर रहने लगे समझो कि धरती पर भूकंप आने वाला है, क्योंकि टिटहरी कभी भी वृक्ष पर अपना घर नहीं बनाती है, वह भूमि पर ही अंडे देती है और भूमि पर ही रहती है। टिटहरी के बारे में एक और मान्यता है, कोई भी अन्य पक्षी जब भी अंडा देता है तो उस पर बैठकर उसको गर्म करके उसको तोड़ता है, लेकिन टिटहरी इन सब से अलग है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करती। कहा जाता है टिटहरी जब भी ज़मीन पर अंडा देती है तो उसे तोड़ने के लिए उसको पारस पत्थर की ज़रूरत पड़ती है। कहा जाता है कि अगर पारस लोहे को भी छू ले तो वह सोना बन जाता है। यह एक ऐसा रहस्यमयी पत्थर है जो हर किसी को आसानी से नहीं मिलता, लेकिन टिटहरी इसे ना जाने कहां से ढूंढ लेती है। पारस बहुत ही कीमती पत्थर है जो बहुत ही दुर्लभ है। टिटहरी को इसे खोजने में महारत हासिल है। दोस्तों, टिटहरी ममता के मामले में अपने आप में एक मिसाल है। वह आग पानी तूफान किसी भी हालात में अपने अंडों को नहीं छोड़ती। दोस्तों, माँ तो माँ होती है जो अपनी जान की परवाह किए बिना अपने बच्चों की रक्षा करती है, और टिटहरी इसका एक बड़ा ही सुनहरा उदाहरण है। टिटहरी के अलावा अन्य पशु पक्षियों को मौसम और अन्य खगोलिक घटनाओं का पूर्वानुमान होता है। आज हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, पता नहीं हम कब कुछ ऐसा सीखेंगे जो हमें और प्रकृति को एक मेव कर देगा। वनों की कटाई और वन क्षेत्रों में बढ़ते मानवीय दखल से पक्षियों की दुनिया प्रभावित हुई है, और पंखों वाली कई खूबसूरत प्रजातियों के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। हमारे देश में सलेटी टिटहरी की प्रजाति पर लुप्त होने का खतरा आ गया है। कहीं पर शिकारी कहर ढाते हैं तो कहीं पर मानवीय गतिविधियों के चलते पक्षियों के बसेरे की जगह खत्म हो गई है। पक्षियों की जो प्रजातियां लुप्त हो जाएंगी उन्हें हम फिर कहां से लाएंगे? बेहतर होगा उन्हें बचाने के लिए समय रहते प्रयास किए जाएं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद है आप सबको प्रकृति
और इंसानियत के और करीब लेकर आना। उम्मीद करता हूँ आप सब मेरी इस मुहिम का हिस्सा बन प्रकृति के और करीब आएंगे और प्रकृति की इन संरचनाओं और हमारे अन्नदाता को बचाने के लिए जो हमसे बन पड़ेगा करेंगे। इसी संकल्प के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।